हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। WHO ने आज एक ट्वीट किया और कहा कि कोरोना से लड़ाई में दुनिया भर के हेल्थ वर्कर्स को संक्रमण के अलावा कई तरह के खतरे हैं, जिनमें दिमागी थकान, भेदभाव और उनके खिलाफ हो रही हिंसा भी शामिल है। ये सब भारत के स्वास्थ्य कर्मियों के साथ भी हो रहा है। भारत में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए सरकार गाइडलाइंस भी जारी कर रही है और कानून में संशोधन भी कर रही है, लेकिन एक सच्चाई ये है कि इन स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कम सुविधाएं मिल रही हैं। यानी हमारे अस्पतालों का मेडिकल स्टाफ कोरोना से तो लड़ ही रहा है, उसे अपने लिए सिस्टम से भी लड़ना पड़ रहा है। हमारी अगली रिपोर्ट देखिए, लेकिन उससे पहले 5 हेडलाइंस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने देश के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों से बातचीत की, मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा पर चर्चा हुई। दिल्ली में अलग अलग अस्पतालों में 200 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित है। दिल्ली सरकार ने कहा नॉन कोविड अस्पतालों में केसेस ज्यादा है। दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल ने नर्सिंग स्टाफ का प्रदर्शन देखा, मास्क, पीपीई किट, खाना और आवास न मिलने का आरोप है। जीबी पंत अस्पताल प्रशासन का यह दावा है, मामला सुलझा दिया गया है, कोरोना मरीजों के संपर्क में आने वालों को आवास दिया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमण पर केंद्र सरकार ने कहा हमारी गाइडलाइंस का पालन जरूर करें, बचाव होगा। कोरोना से हम डर नहीं है, कोरोना से हम लड़ने को तैयार है, पर हमें अपनी सुरक्षा का भी अधिकार है। 1 करोड़ रुपए का टीवी भाषण दे दिया, 1 करोड़ रुपए मरने के बाद मिलेगा, जीते जी तुम खाना नहीं दे रहे हो। पीपी किट ऐसे दे रहे हैं जैसे हमें शौक में शादी में पहननी है। इसको वो भी घटिया पसीना आता है तो अंदर से बाहर आता है। ये दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ का दर्द है। कोरोना से हम लड़ने को तैयार है, कोरोना से हम लड़ने को तैयार है। दिल्ली कोरोना का एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है। दिल्ली में कोरोना के 3,108 पॉजिटिव केस हैं, जिनमें से 54 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ पर है। दिल्ली में कुल 205 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हैं, जिनमें सरकारी अस्पताल के 156 और प्राइवेट के 49 स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं। पूरी दुनिया में स्वास्थ्यकर्मियों को असली सुपर हीरो माना जा रहा है। ये कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे बड़े योद्धा हैं। भारत सरकार की तरफ से इन स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने कानून तक में बदलाव कर दिया, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि उन्हें प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हम भीख में अपने हक के लिए और अपनी ड्यूटी के लिए सेफ्टी चाहते हैं। रोज यही पर रुके रहिए, जब तक कोई फायर अथॉरिटी हमसे आके बात नहीं करती है, हम यहाँ से बिल्कुल नहीं लेंगे। जीबी पंत के इन स्वास्थ्य कर्मियों को ना तो पीपीई किट मिल रहा है और ना ही मास्क। किसी तरह की कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं हो रही है, ना लिफ्ट सैनिटाइज हो रही है, ना पूरे कैंपस में सैनिटाइजेशन हुआ है। भगवान भरोसे चल रहा है। अब ये कहते हैं जी कोरोना हमारा हॉस्पिटल नहीं है। जीबी पंत के नर्सिंग स्टाफ के दावों में दम इसलिए है क्योंकि ज्यादातर उन्हीं अस्पतालों का स्टाफ खतरे में है जहां कोरोना का इलाज नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसे अस्पतालों में मरीज कहां से आ रहे हैं इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। लगभग 200 के करीब सभी अस्पताल में, प्राइवेट में, सरकारी में, केंद्र सरकार के, सबके मिला के लगभग इतने हो चुके हैं। उनको एडवाइजरी भी दी गई है, उनको बताया कि इन्फेक्शन कंट्रोल के जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा और भी ज़्यादा रिगरसली उसको फॉलो किया जाए। वो कह रहा है जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से केसेस नहीं आ रहे हैं, केसेस नॉन कोविड से आ रहे हैं। थोड़ा सा लगता है कि वो लगता है कि भी हमारे यहाँ कोविड पेशेंट नहीं आया, पेशेंट कभी जा सकता है तो उसकी वजह से चांस। इसीलिए अब जीबी पंत अस्पताल के नर्सिंग कर्मियों ने पीपीई किट और मास्क की मांग की है और ऐसा नहीं होने पर काम नहीं करने की चेतावनी भी दी है। आज हम चेतावनी दे रहे हैं हमारे स्टाफ को, प्रॉपर पीपीई किट, मास्क और जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के साथ में काम, कोरोना डेजिग्नेटेड एरिया में काम कर रहा है, उनके रहने खाने का अरेंजमेंट नहीं होगा तो हमारे लिए हम कर्मचारी कोई काम नहीं करेगा, नर्सिंग काम नहीं करेगी। राजस्थान के झालावाड़ का भी यही हाल है। राजस्थान भी देश का एक बड़ा हॉटस्पॉट वाला राज्य है। ये झालावाड़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल है जहां 100 से ज्यादा नर्सिंग कर्मियों ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्हें सिर्फ 6,000 रुपए की तनख्वाह मिलती थी। अब 6,000 रुपए के लिए ये नर्सिंग कर्मी अपनी जान जोखिम में क्यों डालेंगे? कोविड वार्ड हो या फिर इन्फेक्टेड वार्ड हो, सब जगह प्लसमेंटोलॉजी की ड्यूटी लगाई जा रही है। हाँ।
सुविधाओं के नाम पे उनको ना किट दिए जा रहे हैं, ना टाइम पे मास्क है, ना सैनिटाइजर है। 6400 में घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मकान मालिक कह रहे हैं कि घर खाली करो। अस्पताल प्रशासन रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। पुलिस रास्ते में आने जाने नहीं देती है, बोल रही है कि अस्पताल में रहो, घर पे नहीं आओगे। 6000 में कैसे तो यहाँ रूम लेके रहेंगे। दिल्ली से सटा हुआ नोएडा भी कोरोना का हॉटस्पॉट है और यहाँ भी स्वास्थ्य कर्मियों पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। नोएडा में अभी तक 8 स्वास्थ्य कर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 6 नोएडा के इसी चाइल्ड स्पेशलिटी हॉस्पिटल में संक्रमित हुए। इस अस्पताल के 4th मंजिल पर कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा था और जो शख्स उनको खाना देने जाता था वो भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। और इस बात की आशंका जताई जा रही है कि बाकी लोगों को जो कोरोना संक्रमण हुआ है वो उस शख्स के माध्यम से ही हो सकता है। सिर्फ हॉटस्पॉट वाले राज्यों में ही स्वास्थ्य कर्मी कोरोना से संक्रमित नहीं है, बल्कि झारखंड जैसे छोटे राज्यों में कोरोना वॉरियर्स पर खतरा मंडरा रहा है। वैसे तो पूरे झारखंड में कोरोना के सिर्फ 104 पॉजिटिव केस हैं, लेकिन इनमें से भी 8 कोरोना वॉरियर्स हैं। आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में अभी तक 8 कोरोना वॉरियर्स संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से 5 नर्सेस, 1 ओपीडी के असिस्टेंट, 1 निजी एम्बुलेंस के ड्राइवर और 1 पुलिस के सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। इतना ही नहीं, तकरीबन 18 मेडिकल स्टाफ को सुरक्षा की दृष्टि से क्वारंटीन भी किया गया है। इन सब के कोरोना की चपेट में आने का सबसे बड़ा कारण है कि कोरोना के मरीजों और संदिग्धों के सीधे संपर्क में आना। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि जो लोग उनकी गाइडलाइंस को नहीं मान रहे हैं वही ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। हमारे लिए जरूरी है कि हमारे सारे हेल्थ प्रोफेशनल जो रिक्वायर्ड गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करें। अगर रिक्वायर्ड गाइडलाइंस फॉलो नहीं करेंगे तभी इन्फेक्शन होने का खतरा है। आप ये मान के चलिए कि हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स COVID-19 ही नहीं, अपने ICU में जब वह डिफरेंट टाइप की डिजीजेस को डील करते हैं, डिफरेंट टाइप की सर्जिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो उनको रिक्वायर्ड प्रिकॉशन लेनी होती है, जिसकी वजह से ही हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स उन सारी डिजीजेस को मैनेज करते हुए भी अपने आप को बचा कर रखते हैं। तो जरूरी है कि हम हर तरीके से जो भी प्रिकॉशंस हैं उसको फॉलो करें। अब सवाल यह है कि इन स्वास्थ्य कर्मियों को कैसे संक्रमण से बचाया जाए, इसके लिए अस्पतालों को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले सभी स्वास्थ्य कर्मियों की संपूर्ण स्क्रीनिंग करनी चाहिए। कोरोना के मरीजों की देखभाल करने वाले सभी मेडिकल कर्मियों का टेस्ट होना चाहिए। सारे अस्पतालों में सभी मेडिकल कर्मियों को N95 मास्क मिलने चाहिए। जो मेडिकल स्टाफ कोरोना के मरीजों की देखभाल कर रहा है उन्हें PPE किट्स मिलने चाहिए। अगर ये सावधानी बरती जाएंगी तो हम अपने स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमित होने से बचा सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में आपने दिल्ली के जीबी पंत के स्वास्थ्य कर्मियों की समस्या देखी। मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने उनसे बात की। अस्पताल प्रशासन अब यह दावा कर रहा है कि मामले को सुलझा लिया गया है, लेकिन सच ये है कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ इस तरह की दिक्कतें सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी जैसे विकसित देशों में भी है। लेकिन डॉक्टर्स और दूसरे नर्सिंग स्टाफ की परेशानी को सबसे ज्यादा तरजीह देनी ही होगी, क्योंकि कोरोना के खिलाफ जो जंग देश लड़ रहा है उसमें सैनिक की भूमिका यही लोग निभा रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक, जब डॉक्टर सुरक्षित रहेंगे तभी तो कोरोना से लड़ेंगे।